नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने कहा कि हमरो पार्टी और गोजमुमो नगर पालिका पार्षद दार्जिलिंग नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेंगे। यह निर्णय लिया गया है कि 16 जनवरी को दार्जिलिंग नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा और हमरो पार्टी के 12 पार्षद और गोजमुमो के 3 पार्षद अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेंगे। साथ ही हमरो पार्टी के अध्यक्ष एडवर्ड ने कहा कि हमरो पार्टी और गोजमुमो के 15 नगर पार्षद दीपेन ठाकुरी के अलावा किसी और को अध्यक्ष चुनने के लिए तैयार है। हमरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने कहा कि इस मुद्दे पर हमरो पार्टी और गोजमुमो के नगर पार्षद के बीच एक बैठक हुई है। बिकॉज़ हामी पार्टिसिपेट गर्दैछ सिक्रेट बैलेट हुने रहेछ अनि सो सिन्स सिक्रेट बैलेट हुन्छ वी हैव टू प्रपोज हाम्रो साइडबाट पनि के हैन हाम्रो साइडबाट पनि एउटा फेस प्रपोज गरे भने चाहिँ बैलेट हुन्छ। हामीले प्रपोज गरेन भने चाहिँ जस्ट रेज अफ ह्यान्ड्स हुन्छ हो। सो त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोबाट the girls abo pamela bauju 3-4 of them said we don't mind nana ko naam proposing bhane ki so maile tyo chai tapai timro agadi ab khulasta raheko haina haina na testo chaina hami ta tyo hamro ta ekdam sarla bhara gacha hamro testo chaina nana she is not interested not interested no not interested aile kina bhandekhila hamile hamro priority organize nai huncha पर्सनल सिट पर्सनल त्यो बेनिफिट्सहरू सेकेन्डरी हुन्छ र सी इज नट। मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेकर लौट रहे विद्यार्थियों का सड़क हादसा हो गया। यह घटना भीमबाड़ में हुई है। इस घटना में 39 लोग घायल हो गए हैं। ज्ञात हुआ कि इस दिन 39 छात्र छात्राएं छोटी कार से नक्सलबाड़ी से विधान नगर आ रहे थे, तभी अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया वाहन। वहीं कार में सवार 39 छात्र छात्राएं घायल हो गए। यह देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और विधान नगर थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर घायलों को रेस्क्यू कर विधान नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हालांकि विधान नगर थाने की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। सिलीगुड़ी नगर निगम व सिद्धार्थ समिति की पहल पर झनकार बोर्ड में सिलीगुड़ी में स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वामी जी की विवेकानंद 161वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुरुवार को एक समारोह में मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती, मेयर परिषद शोभा सुब्बा व राम भजन महतो, बोर्ड चेयरमैन आलम खान, पार्षद पिंटू घोष व सुधार समिति के सदस्यों ने सबसे पहले स्वामी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तृणमूल कार्यकर्ताओं की बैठक में भारी बमबारी, कई गिरफ्तार। कुचबिहार एक ब्लॉक के पानीशला ग्राम पंचायत के ढहरहात इलाके में बीती रात युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अचानक इलाके की बिजली काट दी गई और भारी गोलीबारी की गई। देर रात युवा तृणमूल कांग्रेस की बैठक में बड़े पैमाने पर बम विस्फोट के सिलसिले में कई तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुचबिहार तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का आरोप है कि हमले के पीछे भाजपा की साजिश है। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि यह घटना तृणमूल की गुटबाजी के कारण हुई है। मानी जुब कमिटी घोषणा हार संगे संगे पानीशाला अंचल पक्ष प्रत्येक बुदे बुदे खुली बैठक युवे विभिन्न जगह आलोचना सभा करते चाहिए। गतकाल ढाईघाट हाई मद्रासा मठर মাঠ সংলগ্ন সেখানে একটা আমাদের বৈঠক হয়। ওখানে 150 থেকে 200 যুব ছেলে ছিল এবং কিছু সিনিয়র লিডার তারাও উপস্থিত ছিল। হঠাৎ করে কিছু বিজেপির দুষ্কৃতী এসে প্রথমে লাইট বন্ধ করে দেয়, বন্ধ করে দিয়ে ওখানে এলোপাতাড়ি বম ছুটতে থাকে আর আমাদের কর্মীরা সেখান থেকে ভয়ে আতঙ্কে পালিয়ে যেতে অনেকে পড়ে যায়, কেউ কেউ আহতও হয়। এই অবস্থায় আমরা সেখান থেকে কোনো রকম ভাবে চলে এসে আইনের পছরায় নেই। আমরা থানায় কি লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের? হ্যাঁ, লিখিতভাবে অভিযোগ দেওয়া। বুঝলাম, গতকালকের এই ঘটনার পর দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ जीवों पर दया करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी जी की इस संदेश को मानते हुए वार्ड नंबर 25 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से मानस सेवा की गई। आज के युवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए संदेश को याद रखना जरूरी है। आज वार्ड नंबर 25 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की पहल पर वार्ड के सफाई कर्मियों को कंबल देकर सम्मानित किया। जैन साहब व अन्य अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वार्ड की सफाई कर्मी व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कंबल भी प्रदान किए गए। আজকে পরিমলকে আমি কেন দেখছি না জানি না, তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা এখানে বারে বারে এসেছি এবং বিবেকানন্দের
এই মূর্তিতে মাল্যদান করে আমরা বহুদিন বহু অনুষ্ঠান আমরা এখানে পালন করেছি। এখন বিন্দু এখানকার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছে। বিন্দুকে বলবো যে এগুলো অনেক পুরনো এলাকা, বিদ্যাসাগর পল্লী এবং উল্টো দিকে 4 নম্বর ওয়ার্ডের অনেকগুলো জায়গা, এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় থাকতে হবে এবং বিবেকানন্দ যুবশক্তিকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন যে শরীরচর্চা এবং খেলাধুলার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। তো আমরা চাইব যে আমাদের শহর ক্রিয়ামনস্ক হয়ে উঠুক, আমাদের শিলিগুড়ি শহর বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ, তার যে সর্বধর্ম সমস্ত মানুষকে নিয়ে তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের জাগ্রত ভারতবর্ষের যে শক্তিশালী ভারতবর্ষের চেহারা দেখেছিলেন। সময় হো চলা হ্যায় ছোটে সে ব্রেক কা, লেতে হ্যায় ছোটা সা ব্রেক। केवल 6 रुपया एक करोड़ सच्ची किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अन्य जितने होस पहले पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट सेवक रोड नियर पायल सिनेमा सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज और सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्यक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640-90007.
www.medicalscribe.co.in। ब्रेक के बाद एक खबरें फिर से विस्तार से। उत्तर दिनाजपुर जिले के एक परिवार की 6 सदस्यों की उत्तर प्रदेश की पानीपत में आग में जलकर मौत हो गई। यह परिवार मूल रूप से इस्लामपुर प्रखंड की जाकिर बस्ती क्षेत्र के निवासी है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पानीपत में सिलेंडर फटने से परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक दंपति और उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल है। अब परिवार को चिंता है कि सभी शवों को कैसे लाया जाए। ও বলছে কি গেট লাগানো ছিল বাড়ার দিকে না কি ও বলছে সেটা আমি বলতে পারবো না। আবার কি হয়েছে ওখানে রান্না করার সময় গ্যাস ব্লাস্ট? হ্যাঁ রান্না না মানে চা সময় নাস্তা করার জন্য সকালে তো চাটা বানাচ্ছিল। হ্যাঁ ওখানে এই করেছিল গ্যাস ব্লাস্ট করেছিল মানে লিক হয়ে গেছিল মনে হয় সকালে রাতের সময় ই হয়ে গেছে লিক হয়ে গেছে মনে হয় সকালে যে কয়জন মারা গেছে? 6 জন একটা পরিবারে। হ্যাঁ সবাই মানে 2 জন মেয়ে ছিল 2 জন ছেলে এই যে বদি আর দাদা ছিল। সব শুনতে পাই যাবে না নিজে দাদা মানে ইসে আমার গা। হ্যাঁ চাচা সিলগুড়ি মে দক্ষিণ ভারত কি যাত্রা করনে वाले পর্যটকों के लिए IRCTC एक विशेष ट्रेन शुरू करने जा रही है। ट्रेन का नाम स्वदेश दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन रखा गया है। यह बात IRCTC के अधिकारियों ने सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन में कही। यह ट्रेन 15 मार्च को कटिहार स्टेशन से शुरू होगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है पूरी जानकारी। এর আগে যতবারই প্রেস মিট হয়েছে আমাদের গুয়াহাটি অফিস থেকে এখানে কন্ডাক্ট করা হয়েছে, বাট অ্যাজ আ জোনাল মানে হেডকোয়ার্টার গুয়াহাটি পাটনা মানে ইস্ট ইন্ডিয়া সেটা হচ্ছে কলকাতা। আর কলকাতা থেকে আমরা এই প্রথমবার সিলিগুড়িতে এসে এই ধরনের ট্রেনের প্রেস মিট করছি। ট্রেনটার নাম হচ্ছে স্বদেশ দর্শন ট্রেন। ট্রেনটা ছাড়বে কাটিহার থেকে, ঠিক আছে। সিলিগুড়িতে করার দুটো কারণ, কারণ হচ্ছে সিলিগুড়ি ইজ ভেরি ক্লোজ টু কাটিহার, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এখানে প্রচুর পোটেনশিয়াল আছে, প্রচুর মানে লোকজন আছে যারা এই রেলের এই প্যাকেজটাকে অ্যাভেল করতে চায় কিন্তু হয়তো কোনোভাবে যোগাযোগ হতে পারে না, সেই জন্য করতে পারে না। সেই সব মাথায় রেখে আমরা ভাবলাম যে এইবারে শিলিগুড়িতেও আমরা প্রেস মিট করি, যদিও বা কাটিহার থেকে ছাড়ছে শিলিগুড়িতে করি। कोलकाता स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर बांकुड़ा में सांसद मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। स्थानीय सांसद व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने गुरुवार को बांकुड़ा के हिंदू स्कूल मैदान में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मैराथन दौड़ में 250 प्रतियोगिताओं ने भाग लिया। स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती पर यहाँ के युवा भी उन्हें याद कर समाज को आगे ले जाने के लिए दौड़ेंगे। স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্মদিন, তাই বাঁকুড়ার যুবকেরাও তার কথা স্মরণ করে দৌড়বে সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। তাই আজকে এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন, আর বিশেষত যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন, সেই পশ্চিমবাংলার আজকে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, সেখান থেকে সমস্ত যুব সমাজকে এই পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবাংলাকে তুলে আনতে হবে। সারা ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগোচ্ছে, আর ভারতবর্ষ G20 নকশালবাড়ি ব্লক 2 तृणमूल युवा कांग्रेस द्वारा स्वामी जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण का कार्य किया गया। सिलीगुड़ी में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर तृणमूल युवा कांग्रेस ने सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ स्कूल मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नगरपालिका के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने गुरुवार को इस कैंप का उद्घाटन किया। शिविर में इलाके के कई लोग रक्तदान करने के लिए आगे आए। शिविर में महिलाओं की भागीदारी देखने लायक थी। सिलीगुड़ी ट्राई लायंस ब्लड बैंक ने शिविर लगाने में सहयोग किया। एकत्रित रक्त को ट्राई लायंस ब्लड बैंक में रखा जाएगा। आज के 12 जनवरी 160 বছর পেরিয়ে 161 বছরে আমাদের যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ আজকে এই দিনেই আবির্ভাব হয়েছিল। খুব অল্প সময় তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, মাত্র 39 বছর তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে ছিলেন, কিন্তু তার আদর্শ
তিনি যেভাবে ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে, আমাদের কাছে সেই আশার বাণী এখনো অধরা। আমরা চাই আমাদের যুব। मालदा में मताइल से राजदिगी आदिवासी बहुल क्षेत्र की सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। अलग अलग जगहों पर बार बार शिकायत व आवेदन के बाद भी कोई काम नहीं हुआ, इसलिए स्थानीय लोगों को सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। खबर मिलते ही गाजुन थाले की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मोटामोटी रास्ता गाजुल टूटा अनेक दिन मोटामुटी 30-35 बच्चों रास्ता एकाकार আজ অব্দি আমাদের রাস্তার কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না, পাকা হচ্ছে না। হ্যাঁ, যতগুলো নেতা মন্ত্রী আসছে প্রত্যেকটাকে বলছে যে বলে হ্যাঁ হবে, হ্যাঁ এই হবে। যখনই আমাদের ভোট কাছে আসছে তখনই বলছে হবে, তারপরে যখন ভোট পার হয়ে যাচ্ছে তখন আর কিছু আমাদের কাজ দেখাচ্ছে না। তার জন্য আমরা ভোটের আগে আমরা রাস্তায় কাজ চাই। এর আগে কোথাও জানিয়েছেন? হ্যাঁ, ভিডিওকে জানানো হয়েছে। আগে নিজে পরিস্থিতি দিয়ে গেছে যে হ্যাঁ আমরা 6 মাস ধরে করে দেবো। 8 মাস হতে ধরলো, এখন পর্যন্ত আমাদের রাস্তা হয়নি। সামনে ইলেকশন আসছে, ইলেকশন যদি ডিক্লারেশন হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাজ হবে না। তার জন্য फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे एस्का लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है? चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो।